नमस्कार दोस्तों, ये मेरे साथ जो बैठे दो मेरे लाडले बेटे बेटी हैं, ये मैं वो फोटो कह सकता हूं जिस फोटो का इंतजार मैं कई सालों से कर रहा था। ये वो पिक्चर है जो मैंने कई रातों को जगते हुए इस पिक्चर का मैंने इंतजार किया है। आप चारू हैं, बारहवीं के साथ नीट का स्कोर 705, अजय यादव है बारहवीं के साथ नीट का स्कोर 700 नंबर। एक दिन हुआ करता था मेरा कि बारहवीं के साथ टॉप करें, बारहवीं के साथ एम्स दिल्ली बच्चों पहुंचे। आज दोनों बच्चे दिल्ली एम्स जाने के तैयार हैं। आप अजय का परिवार है, अजय के परिवार में आपके पिताजी, आपकी मदर और आपके चाची हैं। आप सब बताना चाहता हूं मैं, ये चार बहन भाई हैं, इसकी तीन बड़ी बहन है, वो भी डॉक्टर हैं, सेल्स में बनी पहले से। चार बहन भाई हैं, आप फौजी भाई हैं हमारे, आपके चारों बच्चे डॉक्टर हैं। साहब बहुत कहना बहुत राठौर साहब बहुत आसान है। पहले एक गांव में चार अपने सरकारी मास्टर भी मिलते थे, आज एक घर में चार डॉक्टर हैं। अमृतसर झुंझुनू के पास गांव है। आप चारू हैं, आप चारू के दादाजी हैं, ये चारू का भाई है। चारू दो साल आ रही, आपके मम्मी पापा आए हुए हैं बट वो कहीं रेस्ट पे गए हुए हैं। आपके दादाजी बहुत एक्टिव है। चारू मम्मी के साथ सीख रही, बारहवीं के साथ आपका स्कोर 705 है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारी गुड़िया के साथ। 705 नंबर एक बड़ी बात, 720 टोटल मार्क्स होते हैं, केवल तीन क्वेश्चन गलत है। और ये दोनों, मैं इनको कहूंगा दोनों, ये 720 का सपना, ये दोनों नालायक है मेरे, हाँ होश में कह रहा हूं। इसके तीनों फिजिक्स में गलत है, केमिस्ट्री पूरी सही है, बायो पूरी सही है। इसके तीनों केमिस्ट्री में गलत है, फिजिक्स पूरी सही है, बायो पूरी सही है। इसका एक बायो मिस्टेक हुआ। तो जो क्वेश्चन गलत है, इसके गलत है वो इसके सही है, तो इसके गलत है वो इसके सही है। काश दोनों सही कराते तो 720 का सपना भी अपना पूरा हो जाता। इसमें कोई बड़ा सपना नहीं है, खैर एग्जाम है, कहना बहुत आसान है बेटा जी, वहाँ गोला करना बहुत जोर आता है। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी गांव में बड़ा अफसर बन जाता है तो गांव के चौपाल में लोग बैठे होते हैं कि है तो बन गयो, तो क्या है तो बन गया, तो बन के दिखा देना। कहने में क्या आ जाता है भैया, सरकारी नौकरी लगना है बहुत मुश्किल है, छोटी मोटी है तो डॉक्टर बनने जा रहे, वो भी दोनों बच्चे दिल्ली एम्स जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चारू के पास माइक लेके आऊंगा। सीकर का एक बड़ा सपना पूरा किया, सीकर की इस धरती को आपने पावन किया, सीकर की धरती को आपने नाम दिया, 705 नंबर बारहवीं के साथ आपने दिए। अपने आप में इतिहास है, अपने आप में रिकॉर्ड है, आगे ये रिकॉर्ड सीएससी के बच्चे तोड़ेंगे 22 में, इसी विश्वास के साथ फिर लगे। चलो आलो, मैं चारू यादव, भैरोड अलवर की रहने वाली। मैं 10th स्टैंडर्ड वहाँ से पास करके 11th में यहाँ फाउंडेशन में आई थी। 11th और 12th मैंने यहीं से करी थी और 12th के साथ मेरा स्कोर 705 है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो शुरू में 11th के अंदर तो पूरा ऑफलाइन हुआ था, लेकिन 12th के अंदर कोरोना आ गया था तो सब ऑनलाइन था, तो घर पे थे तब वहाँ पे स्कोर कम आ रहा था। लेकिन फिर बॉस ने फ़ोन करके बुलाया था कि वहाँ पे पढ़ाई सही नहीं हो रही है तो इधर आ जाओ। तब यहाँ पे मैं आई थी तो बॉस ने KVM के अंदर कंप्यूटर लैब दिया था और वहाँ पे मैंने मेरी पूरी 12th कंप्लीट करी थी ऑनलाइन। उसके बाद फिर MTS हुए थे, फिर बायोकेम DTS, दंगल, फिजिक्स, इको, इन सबको मिलाकर मेरी एवरेज काफ़ी बढ़ गई थी जिससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था। थैंक यू, आपके दादाजी को माइक। हेलो, जय श्री हरिशी। मैं चारों का दादाजी हूँ, पहुँची हुए महानुभावों को और प्यारे बच्चों जिन्होंने सफलता प्राप्त की, मैं उनको धन्य मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। साथ में बॉस को भी जिन्होंने इनको सफलता दिवाई, पूरा पूरा सहयोग किया। हमारी चारू यादव का सपना पहले यही था, इसकी जो बड़ी बहन थी इन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट ईयर के साथ ही एग्ज़ाम दूँगी नीट का, तो हमने सबसे पहले CLC को ही चुना। आज चलो फाउंडेशन से फिर हमने यहाँ डाला, हमारी चारू को यहाँ घर जैसा वातावरण मिला। और बॉस का मैंने भी कई बार आता था तो मैंने देखा, ये रात को एक एक बजे तक, मैं एक दो बार आया जब देखा था कि रात को एक बजे तक भी ग्राउंड में और बाहर रोड के ऊपर सबका ध्यान रखते हैं। और यहाँ भी देखा तो हमने देखा कि बॉस ऑफिस की बजाय बाहर मुंडा ढाल करके सबका ध्यान रखते हैं, और इनको मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। अब मैं अजय के पास आता हूँ। मैं सबसे पहले मेरी बहन को माइक दूंगा। भाई ये वो बहन है जिनकी दुआएं मेरे साथ हर वक्त रहती हैं। साहब मैं गांव का सामान्य अध्यापक का छोरा, बिल्कुल खेत से निकला हुआ आदमी, क्या औकात थी साहब मेरी कि इस कोटा के उस
एक छत्रराज के सामने खड़ा कर दिया कि आपकी सीएलसी को पूरे उत्तरी भारत में कोटा के बाहर दूसरा कोई सिस्टम है तो सीएलसी है, जहां व्यवस्थाएं हैं, जहां नोट्स हैं, जहां स्टडी मटेरियल है, जहां शिक्षा है, सुरक्षा है, संस्कार है, सफलता है। मैं चाहूंगा आप पहले कहें कि आपके चार बच्चे डॉक्टर हैं, आपको कैसा लग रहा है? आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ इस भाई साहब बॉस की वजह से कि मेरे तीन लड़कियां और एक लड़का, चार बच्चे हैं, चारों डॉक्टर भाई साहब ने बनाए हैं। पहली बार मैं आई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बार यहीं पर आने के बाद मैंने सब कुछ देखा है। आज के दिन चारों बच्चे डॉक्टर हैं, कितनी खुशियाँ आ रही है। तो इसलिए मैं सबको ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप सेल्फी में आओ, आप सभी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। भाई साहब पूरा रिजल्ट देता है, अच्छी तरह बच्चों को मान सम्मान से रखता है। मैं ये बात कैसे बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से रखता बच्चों ने, कभी घटी याद भी नहीं की। ये मेरा लड़का मेरे को भी ऐसे नहीं मानता जैसे भाई साहब को मानता था। मैं बोलती हूँ मेरा कहना नहीं मानता, अब जैसे भाई साहब कुछ भी कह दिया वो इसके लिए मंजूर था, बोलता था। ये कितना भी बहुत कष्ट काटा पर इसने आज के दिन अच्छे मार्क्स में डॉक्टर बना है। इसलिए मैं बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद देती हूँ कि सभी आपके बच्चों को यहीं पर गालो और डॉक्टर और इंजीनियर बना के आपके पास वापिस भेज देंगे वो भाई साहब। आपकी तीन बेटियां हैं, पूजा, पूनम, ज्योति। तो ये नाम है ना, पूजा, पूनम, तो जुड़वा है, ज्योति है, पूजा, पूनम, ज्योति। और बाकायदा अजय चारों बच्चे डॉक्टर बन गए। मैं चाहूंगा कि अजय अपनी बात रखिए, 700 नंबर 12वीं के साथ बहुत बड़ी बात है। एक बार ताली परिवार के लिए मुझे बात कर। मैं अजय यादव, अमरसर से। मेरे 12th के साथ स्कोर 700 है। मैं 10th पास करने के बाद सीएलसी आया था, क्योंकि जैसा अभी बॉस ने बताया मेरी बड़ी बहन यहीं से सेलेक्टेड है, अभी एस पी बी का नेम है। उसके कहने से मैं सीएलसी आया था। सीएलसी आते ही स्टार्टिंग से बॉस ने अच्छे से गाइडेंस दी, हमेशा फैमिली की तरह माहौल दिया। वहाँ पे 11th में तो एवरेज ठीक ही थी, पर 12th में लॉकडाउन लगने की वजह से पहले ऐसे लग रहा था कि नहीं आपकी बार हो सकता है मार्क्स थोड़े कम आए। फिर बॉस ने यहीं पे सीकर बुलाया था, फिर केवीएल में बॉस ने अलग से कंप्यूटर लैब तैयार करवाई थी जहाँ पे मैं चारों और राहुल की क्लासेस लेते थे। उसकी वजह से वापस दोबारा थोड़ा स्कोर बढ़ा। फिर बीच में मैं दोबारा दिसंबर के आसपास बीमार हो गया था। फिर दिसंबर से मई तक मेरी स्टडी लगभग डिस्टर्ब ही रहती थी, मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। उसके बाद मई में बॉस ने वापस बुलाया, तब तक मेरा स्कोर कम हो गया था, मैं कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा नहीं था। उसके बाद बॉस लगभग हमेशा भी बिल्डिंग में आते रहते थे, बॉस ने काफ़ी मीटिंग करवाई, बॉस ने काउंसिल किया था, जिसकी वजह से फिर दोबारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। लास्ट में इतनी टेस्ट सीरीज चलवाई बॉस ने, उनकी वजह से धीरे धीरे वापस कॉन्फिडेंस बढ़ा और स्कोर उसी वजह से दोबारा नीट में मैं ढंग से परफॉर्म कर पाया, वरना शायद ऐसा नहीं हो पाता। थैंक यू। मैं चाहूंगा हमारे भाई जय सिंह जी बात रखे। एक बात कही अभी अजय ने कि चारू को, राहुल को, मेरे को, ये तीनों कौन है जिनका स्कोर 695, 705, 700 है। उस समय दोस्तों 17 अप्रैल 20 मार्च 2020 का सीन बहुत डरावना था। 20 मार्च 2020 के बच्चे 12th में थे, 11th पार करके 12th में आ रहे थे। 23 मार्च में देखिए डेट याद है, 23 मार्च 2020 को हमारी क्लास स्टार्ट 12th की होनी थी, लॉकडाउन लग गया था, बिल्कुल हाहाकार मच गया था। 16 अप्रैल से हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, इनको बुला लिया था बाद में, हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे उस समय, इनके मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। तो बाकायदा केवीएम में कुछ कंप्यूटर लगवा के, बाकायदा एक अच्छा नेट का कनेक्शन लेके, और इन बच्चों वहाँ एक लैब उपलब्ध कराई गई। सुबह एक क्लास देखती थी, शाम को यह देखता था, रात को वो देखता था। और यह मैंने इतना इनके लिए किया, बट इज्जत रखी मेरी, तीनों 700 रुपये टच करके चले गए। चैन उस समय बाहर से नहीं आया हुआ था, इतना टच उसका था नहीं मेरा। ये तो मेरा वो टेलीफोन दोस्त है, रात को 11 बजे इसका व्हाट्सअप आया था, आज भी आज इसका एडमिशन मैंने किया था। प्लीज जय सिंह जी बात रखिए अपने। आज का जो भी रिजल्ट है उसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ सीएलसी की पेरेंटल केयर की वजह से है। बाकी सारी चीज़ बॉस ने बता चुके हैं। और मेरा एक सपना है कि नेक्स्ट ईयर कोई सीएलसी नहीं हिंदुस्तान फतेह करे। जय सीएलसी। थैंक यू जय सिंह जी, थैंक यू। ये एक परिवार, इनकी दुआएं, इनकी मेरे विशेष हैं कि आप अगले साल नीट और जेई का फतेह हिंदुस्तान सीएलसी का बच्चा करे। और जैसे जैसे शब्द ब्रह्मांड में पैदा होते हैं वो शब्द मूल रूप ले लेते हैं, तो सीकर की धरती पे सीएलसी कैंपस में इस तरह के शब्द बोलना शुरू हुए हैं, तो शब्द मूर्त रूप लेंगे साहब। ये मेरा खुद के प्रति, ईश्वर के प्रति बड़ा विश्वास है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरे दादे बेटे, मेरा बड़ा सपना था जो आज मूर्त रूप में है, और एक नए सपने के लिए हम इनको विदाई दे रहे हैं कि इनके जूनियर 22 को अच्छा करें। तो इन लोगों की एक बार ताली दोनों परिवारों के लिए। थैंक यू।